ये देखिए एक बहुत ही रोचक नज़ारा भर्तृ सेवा समिति की ओर से जो कि हर साल लगाया जाता है। एक रोज़ कचौरी और जलेबी का नाश्ता कराया जाता है, फिर दूसरे रोज़ चूरमा दाल बाटी का नाश्ता कराया जाता है। सब सेवक अपनी अपनी व्यवस्थाओं पर लगे हुए हैं, जिसको जैसे मेहनत करने की आवश्यकता है वो सब अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। ये भर्तृ सेवा समिति बसवा की तरफ से एक विशेष प्रोग्राम किया जाता है। अब देखने की छटा भर्तृ के बीच में ये हनुमान हलवाई देखने को, इसी के साथ सब अपने अपने काम में बिजी और बड़ा ही रोचक नज़ारा भर्तृ सेवा समिति की तरफ से, भर्तृ जन सेवा समिति की ओर से तमाम मेहनतकश लोग अपनी अपनी मेहनत का नज़ारा दिखा रहे हैं। बड़ा ही रोचक नज़ारा हरियालियों के बीच भर्तृ सेवा समिति बसवा की ओर से जन सेवा में समर्पित सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ये देखिए बड़ा ही सुंदर नज़ारा, लाइट की व्यवस्था, जो भी पदयात्री आ रहे हैं उनकी बराबर सेवाओं में ये हमेशा तत्पर रहते हैं। ये पानी की प्याऊ लगाई जाती है। आगे चलिए देखिए ये हलवाई अपने अपने व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, जिससे जैसी भी सेवा बन पा रही है वो अपने अपने। ये जगरा देखिए, देसी जगरा जो कि कंडों से लगाया जाता है, आपके सामने देखने के लिए एक बहुत ही रोचक कहानी। भर्तृ सेवा समिति में बड़े ही चाव के साथ ये लोग अपनी मेहनत का नज़ारा दिखाते हैं। हर साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ राकेश सोडिया जो कि अपनी मेहनत का नज़ारा दिखाते हुए, और ये हैं महेंद्र कुमार सैनी, अपनी अपनी मेहनत को सब बरकरार रखते हुए जो भी जिससे जैसी सेवा बन पा रही है वो अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ है। ये कचौरी समोसा जलेबी बना रहे हैं हनुमान हलवाई। ये रामनारायण हलवाई को देखिए, इन्हें नारद जी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही मेहनती हैं ये, हमेशा हर भंडारे में अग्रिम रहते हैं। ये कचौरी और जलेबी का नाश्ता तैयार हो रहा है यात्रियों के लिए। जो भी पदयात्री आते हैं अपनी मेहनत से उनके लिए विशेष सेवाएँ। ये जगरा देखिए, जगरे का नज़ारा फुल देखने लायक। ये पांडाल का दृश्य बहुत ही रोचक, और ये सामान अपना इकट्ठा करके जलेबी उतारते हैं रामनारायण हलवाई। बहुत ही मेहनती हैं ये, हर भंडारे में अपना योगदान देते हैं। बड़ा ही रोचक नज़ारा भर्तृ सेवा समिति की तरफ से, हर मेहनत कश लोग अपनी अपनी मेहनत का नज़ारा दिखा रहे हैं। कूलर पंखाओं से व्यवस्थित सभी को ये नाश्ते के लिए बैठे टेबल पर रखे हुए। ये रामलाल सैनी पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व जिला पंचायत समिति सदस्य रामलाल सैनी जो भी अपनी मेहनत को अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही मेहनती लोगों का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। भर्तृ सेवा समिति बसवा की तरफ से ललिता प्रसाद जी लखेरा अपना योगदान दे रहे हैं, ये भी हमेशा हर भंडारे में अपना योगदान देते हैं। विशेष तौर से भर्तृ सेवा समिति के लिए हमेशा तत्पर रहने पर जुझारू हैं। बड़ा ही सौंदर्य के बीच, हरियालियों के बीच भर्तृ सेवा समिति अपना योगदान देती आ रही है और हर साल देती रहती है। रामलाल जी सैनी पूर्व जल पार्षद, अपनी अपनी सेवा में जुटे सब जन सेवक भर्तृ सेवा समिति की तरफ से हर साल भंडारे को योगदान में अपने अपने मेहनत सब करते हैं। ये सामान उतारते हुए, पानी की व्यवस्था करते हुए जुझारू लोग जो भी अपनी मेहनत का नज़ारा दे रहे हैं। ये चूरमा की तैयारी करते हुए, इधर दाल की तैयारी करते हुए सभी अपने अपने योगदान की तरफ अग्रसर हैं। बहुत ही मेहनत का नज़ारा देखने को मिल रहा है भर्तृ सेवा समिति बसवा की ओर से। ये
ये हर साल अपना अपना योगदान प्रदान करते हैं, जो कि अपने तन मन और धन से अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। भरतरी सेवा समिति बसवा आपका हमेशा आभारी है। सब तमाम पदयात्रियों के लिए जिनसे जैसी सेवाएं बन पाती हैं वो हमेशा करते रहते हैं। पानी की व्यवस्थाएं करते हुए अभी चूरमा दाल बाटे की तैयारी में लग गए हैं। राकेश जी सोढ़िया अपना योगदान करते हुए तमाम जन सेवक अपने अपने कर्तव्य को हमेशा पालना करते आए हैं। और ये ललिता प्रसाद जी थोड़ा आराम की मुद्रा में देखना, ये है कोई यात्री परेशानी न पाए, इसीलिए ये योगदान किया जाता है भरतरी सेवा समिति बसवा की ओर से। भरतरी सेवा समिति की तरफ से प्रत्येक साल दो रोज तक चूरमा दाल बाटी का भंडारा लगाया जाता है। इसमें सभी सेवक गण अपना अपना योगदान देते हैं, जो कि हर साल भरतरी के मेले के उपलक्ष्य में लगाया जाता है। किसी पदयात्रियों के लिए परेशानी न हो, इसलिए सब अपने अपने कर्तव्य को सफलतापूर्वक निभाते हैं। ये देखिए नज़ारा, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तमाम हलवाई अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। और ये गोपाल जी मीना हलवाई लगे हुए हैं, राकेश जी सोढ़िया हैं, मोहनलाल जी सैनी हैं, अपने अपने सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। छाजूराम जी मोटिया हैं, ये दाल तैयार हो रही है, जो कि प्रत्येक मेले के अवसर पर दो रोज तक चूरमा दाल बाटी की सेवाएं प्रदान करती हैं। ये हनुमान जी हलवाई हैं, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त तैयारी में जुटे हुए। भरतरी सेवा समिति बसवा के सभी सेवक लगे हुए हैं। ये देसी जगरा देखिए, जो कि कंडों से तैयार किया जाता है। ये सामान की व्यवस्थाएं अपने अपने हिसाब से लगाते हुए और अपनी सेवाओं का योगदान देते हुए भरतरी सेवा समिति बसवा की तरफ से ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बड़े ही शांति के साथ भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं भरतरी सेवा समिति की तरफ से, जो कि देखने के लायक है। बहुत ही सुहावना अवसर है ये, जो हर सेवाओं में है। ये पिछले 30 वर्षों से चले आ रही सेवाओं का फल है। लगातार प्रत्येक साल हर साल भरतरी सेवा समिति अपना योगदान देती आ रही है, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। सभी सेवक अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपना योगदान देते हैं। मेहनत बड़ी ही नज़ारा देखने लायक, और ये भंडारे का आयोजन होता है। बड़े ही शांति से प्रसादी प्राप्त करते हुए भक्तगण और अपनी सेवाओं का योगदान देते हुए भरतरी सेवा समिति के प्रत्येक सदस्य
अपनी मेहनत और लगन का नज़ारा बड़े ही शांति के साथ प्रसादी ग्रहण करवाते हुए भर्ती सेवा समिति पिछले काफ़ी वर्षों से दो रोज तक चूरमा दाल बाटी की सेवाएं प्रदान करती आ रही है। अगर भर्तरी बाबा की ऐसी असीम कृपा होती रही तो यही कामना करते हैं कि प्रत्येक साल ऐसी सेवा करने का हमें अग्रसर मौका मिलता रहे। बस भर्तरी बाबा से यही हम मनोकामना करते हैं। ऐसा वीडियो के देखने के लिए जुड़िए, लाइक और फॉलो करिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि इससे एक जन सेवा का सैलाब जाता है कि प्रत्येक नागरिक इस सेवा समिति से जुड़े। हम भी यही चाहते हैं कि इस सेवा समिति में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ते रहें और अपनी सेवाएं प्रदान करते रहें। बहुत ही मेहनती लोगों का नज़ारा ये देखिए, अपनी अपनी सेवाओं से सब अभिभूत हैं और चार दिन की कठिन मेहनत को अपना अंजाम दे रहे हैं ये भर्तरी सेवा समिति के सदस्य। ये प्रसादी ग्रहण करते हुए पदयात्रियों के लिए सेवा, ये रामनारायण जी हलवाई अपना योगदान देते हुए, छादुराम जी सैनी, मोहनलाल जी सैनी देखिए अपनी मेहनत का नज़ारा दिखाते हुए ये तीन चार दिन ये प्रत्येक भंडारे में अपना योगदान देते हैं। सभी अपनी अपनी मेहनत अनुसार, अपना योग्यता अनुसार सब जन मन, तन मन और धन से सब अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। पप्पू भाई साहब की तरफ से हर साल टेंट की व्यवस्थाएं, ये सब उनके कंधों पर भार रहता है, उनकी व्यवस्थाओं को देखना, ये तमाम चीज़ें पप्पू भाई अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। व्यवस्थाएं न हो इसलिए वो खुद अपनी निगरानी में सारे भक्तगणों को देख रेख में काम करवाते हैं। पप्पू भाई का बड़ा ही योगदान है इस भर्तरी सेवा समिति के सदस्यों में, उन्हीं की तरफ से ज़्यादा मेहनत कश लोगों को तवज्जो दी जाती है, क्योंकि वो स्वयं अपनी निगरानी में ये भंडारे का आयोजन करवाते हैं। पप्पू भाई का हमेशा बड़ा ही योगदान रहता है इस भंडारे में। आज़ाड़ो। 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 आज़ाड़ो।